भगवान भोलेनाथ, सावन का महीना, पावन पर्व, दूर दूर से कीर्तन प्रेमी, कीर्तन श्रोता यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, छोटे बड़े भैया लोगों को प्रणाम करती हूँ। उपस्थित देवी स्वरूपा आदि शक्तियां हमारी माताएं बहनें, उनके चरणों में नमन करते हुए आज के हमारे दो कलाकारों के बीच जो हमारे तीसरे कलाकार हैं, जिनकी शान से हम लोगों की शान है भैया, हमारे साउंड सर्विस, बहुत बहुत धन्यवाद है, नमन है आपको। दूसरे कलाकार का नाम नहीं लिया, कौन है? आदरणीय सम्मानी परम श्रद्धेय पिता तुल्य हमारे निर्णायक मंच जो विराजमान है, समस्त गुरुओं को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, अभिनंदन करते हुए आज के हमारे जो सहयोगी कलाकार हैं, आदरणीय भैया हमारे सबीर जिद्दी जी। एक तो सब में वीर हैं, दूसरे जिद्दी हैं। सबीर जिद्दी जी भी, उनके कुशल एवं सक्षम साथियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन, उनका स्वागत करते हुए बहुत ही छोटी सी पार्टी आपके सामने, गुड़िया भारतीय जनता पार्टी कानपुर नवस्था की ओर से कार्यक्रम का शुभारंभ सौभाग्य प्राप्त हुआ बाबा भोलेनाथ के दरबार में प्रथम हाजिरी लगाने के लिए। तो आइए चलते हैं, हर कलाकार माता रानी से कार्यक्रम का शुभारंभ करता है, प्रयास करती हूँ। वंदना, हर कलाकार माता रानी को मनाता है। सभी भक्त कहते हैं मैया मुझे धन की प्राप्ति हो जाए, कोई कहता है मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तेरे दरबार मैं नंगा पांव दौड़ा दौड़ा आऊंगा, धन की प्राप्ति हो जाए तो मैं सोने का छत चढ़ाऊंगा। लेकिन जरा सोचिएगा कि जितना माता रानी ने दिया है उतना क्या कम है क्या? तो दिया क्या है सबीर भाई? वंदना बहुत सुनी होगी आपसे, आपने बहुत सुनी होगी वंदना। हर कलाकार अपने ढंग से माता रानी को मनाता है। आज प्रिया भारती भी मनाती है माता रानी से और कहती है मैया तूने जो कुछ दिया है, जितना दिया है बस इतना ही देते रहिएगा, मांगते कुछ नहीं है। क्यों? एक गीत बजा कि कोई कोई अपने करीब है, कोई कोई अपने भोले बाबा के करीब है, तो दुनिया में ऐसा कहां सब माता रानी आराध्य आराधना
आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। 101 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है इन्हीं पंक्तियों पर कि आपकी कृपा से मेरी हर नौ महीने पहली माँ जन्म दाए दी नौ महीने कोख में है पालती। सबीर भैया वंदनाएं बहुत सी सुनी होंगी आपने लेकिन सुनिएगा गुड़िया भारती का प्रयास। जन्म दाए दी नौ महीने कोख में है पालती चलना गिरना संभलना चलना गिरना संभलना संस्कार वो भी माँ है जन्म दाए दी नौ महीने कोख में है पालती चलना गिरना संभलना संस्कार डालती। बजू बाबरा ओ छोटा छोटा चले ओ ये माता रानी की देन है। वो तो केवल माँ है, लोग मांगते हैं भैया अरे माता रानी ने जन्म दे दिया इतना बड़ा कर दिया, लोग फिर भी भीख मांगते हैं। अधिकार है मांगने का लेकिन अधिकार जहां तक है वहां तक जब माँ ने सब कुछ कर दिया। जैसे माँ से बहजू बाबरा माँ से बहजू बाबरा माँ से तान से पहलू बाबरा माँ से तान शेन है स्वर आला पर राग तान स्वर आला पर राग तान आपकी ही देर सूखे में लगाती है। अगर बच्चा ज्यादा देर सोता है तो
माँ को चिंता हो जाती है कि मेरा बच्चा इतनी देर से सो रहा है। अगर बच्चा ज्यादा रोता है तो भी माँ को चिंता हो जाती है कि मेरा पुत्र इतनी देर से रो रहा है। इसलिए मकान है कि माँ से हर रोटी कपड़ा, अरे आप से मकान है तो आपकी कृपा से, आपकी कृपा से ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। अंतिम टुकड़ा और सुनिएगा, अंतिम पंक्तियां है माता रानी के चरणों में। अरे माता रानी, बुढ़िया भारती के सामने कहते हैं वक्ता से श्रोता बहुत ही विद्वान होते हैं, इसलिए मैया कठिन से कठिन परीक्षा, कठिन से कठिन परीक्षा, कठिन से कठिन परीक्षा, अरे महफिल में आज है गुड़िया भारती के सामने, कठिन से कठिन परीक्षा महफिल में आज है। हमसे बड़े बुद्धिमान ये श्रोता समाज कुछ नहीं है। कठिन से कठिन परीक्षा महफिल में आज है, हमसे बड़े बुद्धिमान ये श्रोता समाज आपसे कला कल्पना, आपसे कला कल्पना और कलाकार है। माता रानी आपसे कला कल्पना और कलाकार है, कलाकार हिंदुस्तानी सबसे देख ले लो बेकार है। आपसे कला कल्पना और कलाकार है, कलाकार हिंदुस्तानी सबसे बेकार है। सारे संसार को अपने आंचल में छुपा लेती है, गुड़िया भारती की मैया, गुड़िया भारती की मैया यही पहचान है तो आपकी कृपा से, आपकी कृपा से मेरी Oh,
वंदना आप लोगों को अच्छी लगी हो तो पुरस्कार तो देते रहेंगे लेकिन आशीर्वाद जरूर दे दीजिएगा, वो चाहे सब्बीर भाई हो हमारे और चाहे गुड़िया भारती हो, क्योंकि ये जो तालियां होती है ये टॉनिक का काम करती है हम लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। चलो बेटा, और ये आदमी भैया हमारे, क्या बात है, चलिए आपसे मुलाकात हो गई। हमारे भैया विजय स्टूडियो लखनऊ, जिनके माध्यम से आप ये कार्यक्रम जो हो रहा है जब चाहेंगे जहां चाहेंगे देख सकते हैं आप। ये गुड़िया भारती और सबीर भाई, और इनको आप समझिएगा बिल्कुल महाभारत के, कि जब चाहे जहां चाहे आप देख सकते हैं।